दोस्तों, ये सुपारी है जो पान में खाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय, असम या दूसरे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पे सुपारी की खेती होती है। लगभग हर घर में, हर खेत में सुपारी मिलेगी। ये बिल्कुल मुफ्त की खेती है, इसमें लागत सिर्फ इतनी लगती है कि पौधे को लगा दिया जाए। तो अभी जब वहाँ आया हूँ वहाँ पे एक सुपारी की ग्रेडिंग चलती है। ये कैसे होता है? ये सबसे अधिक मेहनत इनकी जो लगती है वो इसी में लगती है, क्योंकि उगाने में कोई मेहनत नहीं है, थोड़ी मेहनत है तोड़ने में और बाकी मेहनत है इसको प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले तरीका बता दूँ कि ये तीन तरह की सुपारी यहाँ पर रखी हुई है। जब सुपारी पेड़ से तोड़ी जाती है तो उसके बाद फिर उसको ऐसे टैंकर बनाए गए हैं ये, और इनमें इनको रख दिया जाता है। ऊपर से पत्थर से दबा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसमें भर के इनको, ये बांस के बने डलिए हैं, इसमें से रख दिया जाता है और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं। ये जो पत्थर हैं ये 3 महीने से लेकर के 7 महीने तक रखे जा सकते हैं, जब तक वो देखते रहते हैं दबा दबा के। जब वो क्या कहते हैं, हल्का मुलायम हो जाता है तब उसको निकालते हैं। सुपारी बिल्कुल नारियल की तरह होती है, उसके ऊपर बहुत सारे वो रेसेदार छिलका होता है उसका, फिर उसके अंदर से निकलती है। जब वो तैयार होती है, वो जब यहाँ पे तैयार होती है फिर उसकी ग्रेडिंग होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अभी मेघालय में हूँ, दाऊकी इलाका है, मैं शिलोंग जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग चल रही है। कुछ लोग हैं जो ग्रेडिंग कर रहे थे कि जो इसका कलर जैसा जैसा आता है उसको उसके हिसाब से रखते हैं। देखिए, अच्छा है, लेस कलर है, एकदम ख़राब है, देखिए ये, तो उनको इसी हिसाब से करते हैं। यहाँ पे इनकी ग्रेडिंग कर रही है महिला इधर से। ये मेरे साथ एक दोस्त हैं भैया, ये बताएं दोस्त, मुझे बताओ कि ये जो इस क्या होता है जब पेड़ से टूट के आती है सुपारी, तो कहाँ रखते हो, उसमें कितने दिन रखना पड़ता है, फिर क्या होता है? इसमें रखता है दिसंबर से निकला 7 और 7 और जून दिसंबर में निकालते हैं उसमें नो दिसंबर दिसंबर में डालते हैं। डालते हैं, हाँ। पर जून में निकाले। अच्छा, इस तो हाँ, इसमें पत्थर डाला क्योंकि इसे अंदर से दबा ठीक रहे हैं। से दबा अच्छा, रहा। फिर इसकी ग्रेडिंग होती है, फिर ये बिकने लग जाता है। तो यहाँ सिर्फ मसाले के लिए बिकती है, पान मसाला खाने के लिए बिकता है, कुछ और काम में आता है ये? थोड़ा भाषाई दिक्कत है सबके साथ में यहाँ पे, तो वो इंग्लिश और हिंदी तो कुछ कुछ लोग नहीं जानते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, कुछ ही लोग समझते हैं। लेकिन मैं क्योंकि आसाम में था, वहाँ पे थोड़ा हिंदी लोग समझ रहे थे, या कुछ और इन्होंने टुकड़े में बताया, तो मुझे समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। कि जब सुपारी के पेड़ से जब उसको या तो वो गिरती रहती है उठाते हैं, या फिर उसको जब वो तैयार होती है नवंबर दिसंबर में, फिर उसको इकट्ठा करके रखते हैं, फिर ऐसे लोगों को बेच देते हैं। ये किसान का काम नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट का काम है, वहाँ पर प्रोसेस होता है बिकने के लिए। और ये मानसून का जो सीज़न होता है इसी समय इसमें बौर आते हैं, फूल आते हैं। अभी जगह पे जहाँ से भी मैं आ रहा हूँ, मेघालय या फिर आसाम में, वहाँ बहुत जगह से फूल आ चुके हैं, छोटे छोटे थे, और वो नवंबर दिसंबर तक, सब बल्कि सितंबर के बाद से ही उसमें ना टूटना गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करते रहते हैं। और एक जो अच्छा पेड़ होता है वो 20 से 25 किलो तक जो है सुपारी देता है। और यहाँ पे जैसा मुझे असम में बताया गया था कि 40 रुपये से लेकर के उसके ऊपर ही इसका भाव रहता है। तो फिर इस तरह से वो करते हैं, और उनकी इस मामले में इनका कोई खर्च नहीं होता है। एक बार लगा दिया तो पतले से पेड़ होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो उसको फिर दूसरा को देना नहीं पड़ता, पूरी तरह से मतलब नेचुरल, जीरो बजट फार्मिंग कह सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग, पूरा मेघालय हो, नॉर्थ आसाम हो या दूसरे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, उन सब में ऐसे आपको पेड़ ज़रूर मिलेंगे। सुपारी आपको हर जगह मिलेगी, और क्योंकि वो उनकी कमाई का जरिया है।